अरे सर, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, फिर आप इतना अटक अटक क्यों पढ़ रहे हैं हिंदी? क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक ऐसी बात ऑब्जर्व की है जो शायद किसी ने ना की हो। अच्छा सर, ऐसी क्या बात है? देखो, अगर हमें इंग्लिश टेक्स्ट में किसी का नाम लिखना हो, लेट सपोज चाचा चौधरी, तो हम क्या लिखते हैं? तो सर हम लिखते हैं CHA CHA चाचा। एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। अगर हम उसी तरीके से इस वर्ड को भी पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा चारातर 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 चरित्र। और देखा जाए तो कैरेक्टर का मीनिंग भी चरित्र ही होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बिहेवियर को भी हिंदी वाली टेक्स्ट लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा बिहेवियर व्यवहार व्यवहार व्यवहार। और बिहेवियर का मीनिंग भी व्यवहार होता है। तो इट मींस कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो संस्कृत लैंग्वेज से एज इट इज उठा के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डाल दिए गए हैं।